हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने पालक की रेसिपी बनाई है, पालक की सूखी भाजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो देखिए, इसके अंदर बहुत लो कैलोरी रहता है, विटामिन मिनरल सोर्स, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है पालक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी क्रिएशंस। आज मैं पालक की भाजी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने अच्छे से पालक को धो के कट किया है। आप कट करके मत धोइएगा फ्रेंड्स, आप क्लीन करने के बाद पहले पत्तों को अच्छे से धो लीजिए, फिर बाद में इसको कट कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, मैंने एक कटा टमाटर लिया है, और ज़्यादा आप हरी मिर्ची डालिएगा, क्योंकि आप स्पाइसी खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा हरी मिर्ची डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में देखिए, मैंने लहसुन, एक बड़ा लहसुन लिया है, गड्डी लहसुन ज़्यादा डालिएगा, इसका और ही अच्छा टेस्ट आएगा। और कड़ी पत्ता भी लिया है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पालक फ्राई बनाते वक्त बता रही हूँ, देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई रखी है, उस कढ़ाई को गर्म होने तक के लिए रखा है, और इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। इस भाजी को बहुत ही कम ऑयल बन जाएगा। तो उस ऑयल में आपको गर्म होने के बाद जीरा ऐड कीजिए। जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर खटा हुआ हरी मिर्ची और लहसुन, कड़ी पत्ता एक साथ आपको ऐड करना है, और अच्छे से इसको आप कलर चेंज होने तक फ्राई कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं ये जो आपकी पालक की रेसिपी बता रही हूँ, ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं। देखिए, मैंने कांदा भी ऐड किया है, इसको भी अच्छे से आप कलर चेंज होने तक फ्राई कर लीजिएगा। सो बच्चे भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप ऐसे बना के दीजिए। थोड़ा आप टमाटर डालोगे तो इसका अंदर का कड़वापन थोड़ा निकल जाएगा, तो बच्चों को पसंद आना आ जाएगा। तो देखिए, उसके अंदर मैंने हल्दी ऐड किया है, कांदा अच्छे से फ्राई होने के बाद। तो आप इसके अंदर एक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे से ढक्कन रख के आपको एक दो तीन मिनट पका लेना है, थोड़े से टमाटर सॉफ्ट होने तक। फिर उसके बाद आपको पालक ऐड करना है, तो तब तक थोड़ी देर के लिए आप पका लीजिए। देखिए, थोड़ा सा इसका कलर फिर से चेंज हो चुका है, एक बार ऐसे करके आप मिला लीजिएगा। तो आप ये बच्चों को टिफ़िन के लिए, आप हस्बैंड्स को, फैमिली को टिफ़िन में ये भाजी दे सकते हो, और ये जल्दी से भी बन जाता है। तो देखिए, मैंने कटा हुआ पालक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, और थोड़ा सा आपको नमक भी ऐड करना है। देखिए, ऐसे करके आप अच्छे से मिला लीजिएगा। और आप में से कोई मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जाड़ा नमक है, इसके लिए मैंने थोड़ा कम लिया है। आप नॉर्मल टाटा सॉल्ट यूज़ करते हो तो आप अच्छे से डाल सकते हो, एक चम्मच इतना। तो इसको अच्छे से आप ऐसे करके मिला लीजिएगा। तो नमक डालने के बाद इसके अंदर पानी छूट जाता है, वही पानी से ये पक जाएगा। देखिए, मैंने ढक्कन रख के इसको पकाने के लिए रख दिया है, तो एक बार अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। ऐसे करके आप मिलाते जाइए, पानी पूरा उड़ जाने तक आपको पकाना है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा भी कुछ पानी ऐड नहीं करना है, जो नमक के साथ पानी निकलेगा वही उसी पानी के साथ आपको इसके अंदर पकाना है। तो आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दाल चावल के साथ या रोटी, और चावल की रोटी, गेहूँ की रोटी के साथ आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हो। आपके बच्चों को बहुत ज़रूर पसंद आएगा। जिसको पालक पसंद नहीं है, आप ऐसे बना के उनको ज़रूर खिला सकते हो। और इसके अंदर बहुत ही हेल्थी विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विटामिन, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है पालक में। तो देखिए, ये एकदम से लहसुनी पालक रेडी हो चुकी है, इसका मैंने नाम दिया है लहसुनी पालक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।